तो हेलो भाइयों, सभी भाइयों को राम राम। तो आज हम आए हैं एक जगह पे, वहाँ पर हमको एक टंकी लगानी है। तो देख सकते हैं यही है पुरानी टंकी, इसके साथ हमको एक नई टंकी अटैच करनी है। तो हमने नई टंकी मंगाई है, देख सकते हैं यहाँ इस जगह पे हमको एक टंकी इंस्टॉल करनी है। और ये हमारी पुरानी टंकी, इसके बीच में जो टंकी कनेक्शन हो जाएगा, ये हमारी मोटर की लाइन है, इसको भी साइड में करनी पड़ेगी। ये हमारी 1.5 इंची की लाइन आ रही है नीचे से, आउटलेट लाइन, इसको हमको इस टंकी में डालना है, मिक्स करनी है। और वो देख सकते हैं हमारे टैक्सीमो की 4 लेयर पफ टैंक है ये हमारा, बहुत ही बढ़िया टैंक है। तो इसका रिव्यू हमको बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही हैवी टैंक है, तो अच्छा टैंक है, इसको जरूर लगाइए अपने छत पे। तो ये हमारा बंदा देख सकते हैं, हमारा कोर भी लगा रहा है होल करने के लिए। तो आज धूप बहुत थी, तो देख सकते हैं हमने टंकी ऊपर चढ़ा ली है। अब टंकी ऊपर चढ़ाने के बाद पहले हमें इसके अंदर हॉल वगैरह कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है, टंकी के ऊपर सारी जानकारी दे रखी है, कौन सी क्या किस चीज़ से होती है। तो अब हम इसके अंदर देख सकते हैं 1.5 इंची टैंक निप्पल लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंची ही जुड़ेगा बीच से, बाकी तो पानी ओवरफ्लो होगा। तो उसका पहले होल कर लेंगे हम। तो होल कर रहे हैं, होल ध्यान से करें, ध्यान से करें। तो अब देख सकते हैं हम टैंक निप्पल चेक करते रहेंगे। तो ये हमारा पहला होल हो चुका है, इसमें टोटल 3 होल डेढ़ होंगे। तो अब दूसरा होल कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा होल भी हो चुका है। अब हम पुराने टंकी में होल करेंगे, ये हमारी पुरानी टंकी है, तो इसके अंदर हम होल करेंगे। तो देख सकते हैं हम होल कर रहे हैं, तो होल हो चुका है हमारा। अब हम ये हमारे होल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारी टैंक निप्पल है, डायरेक्ट 1.5 इंची की डायरेक्ट टैंक निप्पल है। तो अब हम इसके अंदर वाइसर के आगे बढ़िया सी टेफ्लोन टेप लगाकर इसको लगा के तीनों सेट कर लेंगे। तो टेफ्लोन टेप इसलिए लगाते हैं ताकि टैंक निप्पल की रिंग से पानी लीकेज ना हो और बार बार उसको खोलना ना पड़े। तो पहले ही हम टेफ्लोन तीनों में लगा लेंगे। तो हमने तीनों में टेफ्लॉन टेप लगा चुके हैं, अब हम इसको टंकी में कसेंगे। तो अब हम इसको पहले टंकी के अंदर कसेंगे। तो अब एक बंदे को हम अंदर टंकी में उतारेंगे। तो ये हमने बंदे को अंदर उतर चुका है, अब बाहर से टाइट करेंगे। तो पहले इसका रबड़ लगाएंगे टैंक निप्पल के ऊपर का। तो टैंक निप्पल का रबड़ लगा चुके हैं, अब इसका वो लगा देंगे इसकी रिंग टाइट करने वाली। तो अब हम इसको देख सकते हैं टाइट करेंगे। तो इसको रिंच पाने से हम टाइट करेंगे ताकि लीकेज ना हो। तो रिंच पाने से इसको डायरेक्ट टाइट कर लेंगे। तो सफेद टंकी का एक यह भी कारण होता है कि ये जल्दी गर्म पानी नहीं होता है इसके अंदर, टंकी के अंदर। तो सफेद टंकी ही लगाए पानी में। तो ये टैक्सीमो की बहुत बढ़िया टंकी है, इसके अंदर पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो अब देख सकते हैं हम, ये हमारी मोटर की लाइन आ रही है। तो मोटर की लाइन को पहले हम काट लेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, ये हमारी CPEC टू UPC लाइन जुड़ी हुई है। तो पहले इसको कट कर लेंगे, अब कट करने के बाद इसको यहाँ से हटा देंगे अब पुराने टंकी से। अब हम ऐसे से टंकी का बेस को पूरा साफ कर लेंगे, ताकि टंकी के अंदर क्रैक के चांस ना हो ज़्यादा। बाकी तो टंकी में ऐसे बहुत कम रेयर चांस होते हैं, पर तो भी पूरा साफ करके इसको लगाए टंकी को। तो पहले हम इसको सेट कर लेंगे, देख सकते हैं दोनों को होल मिला के आपस में सेट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं होल से होल बराबर मिला लेंगे दोनों टैंक निप्पल को। अब टैंक निप्पल को मिलाने के बाद पहले हम मोटर का कनेक्शन दूसरी टंकी में कर देंगे, दूसरी जगह यानी दूसरा होल करके दूसरी जगह टंकी में होल कर लेंगे। तो पहले हम मोटर की लाइन को
मिला लेंगे। तो हमने देख सकते सॉकेट लगा लिया है 1 इंची का सीपीवीसी का। अब मैं इसकी एल्बो की नपती लेके टुकड़े की टुकड़ा काट के लगा लेंगे। तो देख सकते इसमें हम सॉल्वेंट सही से लगाएंगे क्योंकि बोरिंग का प्रेशर आएगा इसमें पानी, तो सॉल्वेंट हम बढ़िया ही लगाएंगे ताकि लीकेज ना हो। तो अब हम इसके ऊपर का इनलेट छेद कर देंगे जहाँ से पानी आएगा बोरिंग का। तो ये छेद करने के बाद हम इसके जो रिंग रबड़ आती है उन दोनों को और चक्रे को दोनों को कस लेंगे, बड़े ऐसा हाथ से ही कस लेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई लीकेज का चांस नहीं रहता है, तो भरने का पानी है। तो हम इसको बढ़िया से टाइट कर लेंगे। अब टाइट करने के बाद देखते हैं ये हमारा कन्वर्टर बूस्ट है यूपीवीसी से सीबीवीसी का। तो ये पुराना बूस्ट पड़ा था तो हमने इसको ही लगा दिया ताकि इससे खर्चा बच गया हमारा। तो अब हम इस देख सकते हैं ये बूस्ट लगाने के बाद सॉकेट लगा लेंगे इसमें। सॉकेट लगाने के बाद आगे एल्बो लगा के जोड़ देंगे लाइन बोरिंग की। तो ये हमारा देख सकते हैं कनेक्शन हो चुका है बोरिंग का। अब हम इसकी देख सकते हैं बीच का जो बीच का कनेक्शन है वो कर लेंगे। तो ये हमारी 1.5 इंची की यूनियन है। इसका काम ये होता है कि दोनों टंकी को अगर कभी खाली करना हो या टंकी को यहाँ से हटाना हो तो इसको हम हटा सकते हैं। तो पहले हम इसको लगा लेंगे। तो ये हमने देख सकते हैं एक तरफ का टुकड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम इसको उसके अंदर पुराने टंकी के अंदर इसको टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे एकदम। तो दूसरी तरफ का टुकड़ा भी हम काट लेंगे। तो अब इन दोनों को हम देख सकते हैं बिल दोनों का आपस में मिला के इसको बढ़िया सा टाइट कर देंगे ताकि ये लीकेज ना हो। तो हाथ से ही टाइट कर देंगे क्योंकि पाना लगाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि बराबर हमने होल किए हैं इसके। तो अब हम देख सकते हैं इसकी आउटलेट की टी लगा लेंगे। पहले जहाँ हमारी आउटलेट नीचे बाथरूम से आ रही है नई लाइन दी है हमने, तो उसका कनेक्शन भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे हम कोई वाल नहीं लगा रहे क्योंकि हमारा वाल नीचे लगा हुआ है, पहले ही हमने नीचे ही लगा दिया है ताकि इनको यानी मकान मालिक को वापिस बार बार ऊपर नीचे नहीं आना पड़े, इसलिए हमने वाल नीचे ही लगा दिया है। तो अब हम इसके देख सकते हैं यहाँ पे एल्बो 1.5 इंच लगा लेंगे। तो इसको नपती लेने के लिए पहले हम देख सकते हैं 1.5 इंच का टुकड़ा लगा लेंगे आगे ताकि सीधी एकदम एक्चुअल नपती आए। तो अब हम देख सकते हैं इसका टुकड़ा नाप के काट लेंगे। तो पहले हम एल्बो को पक्का कर लेंगे टुकड़े लगा के। अब देखते हैं टुकड़ा हम पूरा पक्का कर लेंगे तो क्योंकि हमारी ये नपती हो चुकी है। अब हम इसके बीच में भी यूनियन लगा देंगे। तो दूसरी तरफ यूनियन का चुकरा भी लगा के हम बल्कि में सेट कर देंगे इसको। तो ये हमारा देख सकते हैं लग चुका है। इसके भी हम हाथ से इसको टाइट कर देंगे यूनियन को, बढ़िया से टाइट कर लेंगे एकदम फुल टाइट कर देंगे ताकि लीकेज ना हो। अब हम देख सकते हैं टंकी का मोटर चला दी है हमने, बोरिंग चला दी है। तो देख सकते हैं पानी आना हमारा चालू हो गया टंकी के अंदर। तो अब हम नई टंकी के अंदर ही दिखा देंगे पानी, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आगे। अब देख सकते हैं पानी अंदर आना चालू हो गया है टंकी के अंदर। तो देख सकते हैं ये हमने एयर पाइप खड़ा करा हुआ है
टंकी से 2 इंची ऊपर एयर पाइप खड़ा किया हुआ है, और इसके आगे हमने डबल एल्बो लगा दिए ताकि इसके अंदर जीव जानवर नहीं जा पाए एयर पाइप के अंदर। और हमारे देख सकते हैं टंकी का कनेक्शन भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।